से सटा फरीदाबाद लगातार क्राइम सिटी के साथ साथ अब रेप सिटी भी बनता जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि आज दिन प्रतिदिन फरीदाबाद में बालिग और नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हैं कि घटने का नाम ही नहीं ले रही है। ताज़ा मामला फरीदाबाद के मुजेसर थाने इलाके का है, जहां एक मकान मालिक ने 13 साल की नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला, जिसके चलते बच्ची गर्भवती हो गई। प्यारो साहब, एक नाबालिग बच्ची के साथ एक अधेड़ उम्र के शख्स द्वारा रेप करने का मामला आया है, क्या है ये पूरा वाकया? ये एक नाबालिग लड़की ने हमारे महिला थाने में शिकायत दी थी कि उसके साथ एक अधेड़ उम्र की व्यक्ति ने उसके साथ गलत काम किया है, और इस संबंध में हमने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़की के 164 के बयान कराए गए हैं जज साहब के सम्मुख और CWC जो बाल कल्याण समिति होती है उसके यहाँ, और इसमें आगे की हम कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी को जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या उन्होंने आरोप भी लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने उसके साथ जो बदतमीजी किया, थाने से 3 बार भगा दिया गया, पुलिसकर्मी आरोपियों का साथ भी दे रहा है? ये हमारे संज्ञान में नहीं है और नहीं उच्च अधिकारियों से कभी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम इसको चेक कराएंगे कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। कोई भी महिला कभी भी जो इस तरह की वारदात होती है, निसंकोच अपनी शिकायत थाने में दे, और हम इस तरह के अवेयरनेस कैंप भी लगा रहे हैं। हमारी जो ACP हैं धारणा यादव जी, हमारी जो महिला SHOs हैं, हमारे जो DCP साहब हैं, हमारे CP साहब भी इस संबंध में FM के जरिए वैसे अवेयरनेस कैंप स्कूल और जो महिला वर्किंग जो कंपनीज हैं उनमें जाके हम इस तरह के कैंप भी लगाते हैं कि आवाज अपनी दबाए ना, पुलिस को रिपोर्ट करें। कहीं ना कहीं पुलिस को भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पीड़ितों को भगा दिया जाता है थाने में से, तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को जरूरत है। हमारे जो भी केस शिकायत मिलती है, केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, हमारे कोई भी इस तरह की शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जो आप कह रहे हैं अगर इसमें ऐसा है तो हम इसमें जांच करेंगे। महिला का कहना है कि 1 महीने तक वो थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन उसकी FIR दर्ज नहीं की। PM विंडो पर शिकायत देने के बाद ये FIR दर्ज की गई है, क्या कहना है इसके बारे में? पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अब भी आरोप हमारे ऊपर है।